इंग्लैंड एंड वेल्स में 30 मई से खेले जाने वाले क्रिकेट के महासंग्राम के लिए सभी देशों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच विश्व कप 2019 के लिए पहले ही 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर चुकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर आफत आन पड़ी है। टीम की घोषणा के बाद बोर्ड ने बांग्लादेश टीम की नई जर्सी लॉन्च की, जिसके बाद लोगों ने इस जर्सी को स्वीकार करने से मना कर दिया। जैसे ही जर्सी का अनावरण किया गया, तस्वीरों को शेयर किया गया, बांग्लादेश फैंस ने इसे पाकिस्तानी जर्सी बताकर बदलने की चेतावनी दे डाली। लाल रंग का था मामला। दरअसल बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज लाल और हरा है, लेकिन विश्व कप के लिए जारी हुई टीम के लिए तैयार की गई नई जर्सी का कलर हरा और सफेद था, जो कि प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान की जर्सी से मेल खा रहा था। बीसीबी के प्रवक्ता जलाल यूनुस ने कहा, क्रिकेट की संचालक मंडल को कुछ व्यावसायिक जटिलताओं की वजह से लाल रंग को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन बीसीबी के अनुरोध के बाद आईसीसी ने उन्हें मंजूरी दे दी। उन्होंने एएफपी को बताया, इसमें जर्सी को हरा और सफेद बना दिया था, लेकिन लोग जर्सी में लाल रंग चाहते थे, इसलिए हमने आईसीसी से फिर से अनुरोध किया और उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया। यूनुस ने कहा, मूल डिजाइन में खिलाड़ियों के नाम और बांग्लादेश शब्द लाल रंग में चित्रित किया गया था। जिनको नहीं पसंद जर्सी वो चले जाएं पाकिस्तान। गौरतलब है कि जर्सी के अनावरण के बाद कई क्रिकेट प्रशंसकों ने इसे पाकिस्तान की जर्सी के जैसा बताया, लेकिन बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल हसन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा, जर्सी पर बांग्लादेश लिखा है, आप इसे पाकिस्तान की जर्सी कैसे समझ सकते हैं। टाइगर्स की तस्वीर और बीसीबी के लोगो को देखने के बाद अगर किसी को लगता है कि ये बांग्लादेश की जर्सी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को पाकिस्तान में रहना चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बुधवार को रवाना हुई और 2 जून को ओवल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी। इससे पहले 5 से 17 मई से आयरलैंड और वेस्टइंडीज के साथ एक ट्राई सीरीज खेलेंगे।